नमस्कार, मैं माया सूर्यवंशी। स्वागत है आपका मायास फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले आलू की सब्जी। इसके लिए ये पांच आलू को हमने उबाल लेना है और छोलों को भी अलग उबाल लेना है। छोले को उबालते वक्त इसमें मैंने 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े डाले थे और थोड़ी हल्दी डाली थी, और अच्छे से इसे उबाल लेना है इस तरह से। अब हम मसाले देख लेते हैं। टमाटर के प्यूरे ले लेना है, लगभग 1 बड़ा टमाटर है। हरी धनिया, तेज पत्ते, छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, राई, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कुछ लौंग, कड़ी पत्ते, अदरक लहसुन की पेस्ट और प्याज। इसे दरदरा पीसना है, एकदम बारीक पेस्ट इसका नहीं किया है, दरदरा से इसे पीस लेना है। दालचीनी के पाउडर भी लेंगे थोड़ी और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाते हैं। तो कढ़ाई में हमने यहाँ पे 1 बड़ी कटोरी तेल ले लिया है, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले लीजिए। अच्छे से इसे गर्म होने देंगे। तेल थोड़ा गर्म होने पर तेज पत्ते डाल देंगे और ये लौंग डाल देंगे। थोड़ा इसे फूटने दें। अब इसमें राई, जीरा और साथ ही डाल देंगे ये कड़ी पत्ते भी। इसे डालने के बाद अब हम पहले इसमें ये प्याज डालेंगे जो हमने दरदरा सा पीसा हुआ है। हल्के हाथों से इसे चला लेना है। इस तरह से इसे छोड़ देंगे और 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। 2 मिनट के बाद इसे चला लें फिर से। कलर थोड़ा चेंज इसका हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। इसे भी चला लें। अच्छे से इसे सेट कर लें और 1 मिनट के लिए अब इसे भी पकने देंगे। कवर कर लें। 1 मिनट के बाद थोड़ा कलर चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी इसे और पकने देंगे। एक बार मिक्स कर लें। फिर से 1 मिनट के लिए इसे हम कवर कर लेंगे। 1 मिनट इसे और पकाने के बाद इसमें अब ये टमाटर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेना है। और थोड़ा नमक इसे पकाने के लिए हम डालेंगे। मिक्स कर लें। अब इसे लगभग 3 मिनट के लिए हम पकने देंगे। फ्लेम मीडियम ही रखना है। ये देखिए, 3 मिनट के बाद प्याज भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर, फिर डाल देना है मिर्च पाउडर, हल्दी डाल देंगे। चला लें इसे अच्छे से। फ्लेम को मीडियम ही रखना है पूरा टाइम। काफी अच्छा कलर इसका दिखाई देने लगा है। लगभग 1 मिनट के लिए हम इसे फिर से कवर करेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह से हो रहा है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। आपके पास अगर ना हो तो कोई बात नहीं, गरम मसाला भी डाल देना है और ये दालचीनी पाउडर भी हम डाल देंगे। अच्छे से इसे चला लें। मसालों ने तेल छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है, मतलब ये लगभग पक ही चुके हैं। 1 मिनट के लिए इसे हम फिर से ढक लेंगे। देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से इसका तेल ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें छोले डालेंगे। छोलों को उबालते वक्त ये जो पानी है ये फेंकना नहीं है, इसे पानी के साथ ही डालें, इससे कि स्वाद और ज़्यादा बढ़ेगा। चला लें अच्छे से। फ्लेम को मीडियम ही रखें।
अब इन छोलों को ग्रेवी में लगभग 2 मिनट के लिए होने देते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया सा कलर आ चुका है, छोले में भी बहुत अच्छा कलर आया है। उबालते वक्त हमने इसमें हल्दी डाली थी, इससे कि अच्छे येलो येलो लग रहे हैं। अब हम इसमें ये मैश के लिए किए हुए आलू डाल देते हैं। आलू को ग्रेवी में भी अच्छे से मैश कर लेना है। आलू अच्छी तरह से मैश होने के बाद पानी इसमें हम डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे, मिक्स कर लें और 2 मिनट के लिए इसे पकने दें। तो ये देखिए हमारे छोले एकदम बन के तैयार हैं। अब हम इस पर हरी धनिया डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर लेना है। इसे बनने के बाद लगभग 5 मिनट के लिए फिर से कवर करके रखें, इसके बाद ही सर्व करें, जिससे कि इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो आपको यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।